मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 3 की आखिरी फिल्म एवेंजर्स एंड गेम, जिसके बाद इस सीरीज को चाहने वाले दर्शक ही नहीं बल्कि इसे बनाने वाली कंपनी मार्वल स्टूडियोज भी अलग ही मन स्थिति में है। उन्हें इस दुनिया की कहानी आगे भी बनानी है, लेकिन चुनौती ये है कि 2008 में फिल्म आयरन मैन से शुरू हुई ये कहानी आगे कितना विस्तार ले सकती है। ये तो सच है कि इस एमसीयू के सरफेस को इस दुनिया से निकली कम से कम 3 वेब सीरीज वांडा विजन, लोकी और वाटिफ के जरिए दूसरे यूनिवर्स में भी फैलाया जा चुका है। लेकिन एक ही समय पर अलग अलग यूनिवर्स में चलती इस कहानियों पर जिस तरह से मार्वल स्टूडियोज की फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जोड़ने की कोशिश की गई, उस मल्टीवर्स को समझने, अपनाने और पहचानने में एमसीयू के फैंस को भी समय लगेगा। अब बारी आती है फिल्म देखने से पहले किए गए होमवर्क की। फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एमसीयू के सिलेबस का वो चैप्टर है जिसे पढ़ने यानी देखने के लिए आपको घर से तैयार होकर आना पड़ेगा। अगर आपने डिज्नी प्लस पर रिलीज हुई वेब सीरीज वांडा विजन, लोकी और व्हाट इफ नहीं देखी है तो ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। तो फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को देखने की पहली शर्त यही है कि आप पहले इन सीरीज को देखें, तभी स्पाइडरमैन नो वे होम से आगे के कहानी के सिरे आपको पकड़ में आएंगे। 9 साल बाद डायरेक्शन में लौटे सैम रेमी के सामने चुनौती है कि अपनी डरावनी फिल्मों की खास पहचान और एमसीयू की 3 स्पाइडरमैन फिल्मों की डायरेक्शन से बनी अपनी बॉन्डिंग को बनाए रखने की। बेनेडिक्ट कम्बरबैच की भी इस बार कसौटी है। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने पहुंचे फैंस को पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्या क्या कर सकता है। उसकी जादुई शक्तियों के एक्सपांशन के लिए ही मल्टीवर्स का ताना बाना बुना गया। लेकिन फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की कहानी का केंद्र वो नहीं है। फिल्म की भागती स्क्रिप्ट इसके किरदार को सुस्ताने का मौका ही नहीं देती है। जिस किरदार को लेकर फिल्म सोची गई थी वो किनारे हो गया और वांडा यानी कि स्कारलेट विच जहाँ कहानी का केंद्र बिंदु बन जाती है। कहानी एमसीयू में पहुंची एक लड़की की है, उसका कोई पीछा कर रहा होता है, उसके पास अपनी शक्तियाँ भी है। अपने हीरो यानी डॉक्टर स्ट्रेंज को विलन से लड़की को बचाना है और उसकी गर्लफ्रेंड किसी और की बन चुकी है। वांडा का विजन भी कब का खो चुका है और अमेरिका शावेज नाम की इस लड़की का दिल भी दुखी है। मार्वल स्टूडियोज़ की इस फिल्म को रिलीज़ करने वाली कंपनी डिज्नी से भी इस बार फिल्म की रिलीज से पहले बहुत गलतियाँ हुई। फिल्म की एडवांस बुकिंग जैसे ही महीने भर पहले खुली गई, एमसीयू के फैंस को समझ आ गया कि कुछ तो लोचा है। फिल्म की ब्रांडिंग और मार्केटिंग फिल्म की तीसरी सबसे कमज़ोर कड़ी है। फिल्म के निर्माता केविन फाइगी के बयानों से भी समझ आता रहा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और फिल्म देखने के बाद ये बात साफ भी हो जाती है। फिल्म की रिलीज़ से पहले इसका इतना मटेरियल यूट्यूब पर डाल दिया गया कि एमसीयू की ये फिल्म देखने के लिए बेकरार रहने वालों की फिल्म में दिलचस्पी ही कम होती चली गई। फिर भी एमसीयू के फैंस का अपना अलग भरोसा है, इन फिल्मों पर एडवांस बुकिंग इसका सबूत है। तो सवाल आता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस कहाँ चुकी? ये फिल्म 3 वजहों से एमसीयू के फैंस को निराश करती है। पहली वजह है इस फिल्म की कहानी, इसके स्क्रिप्ट और इसके डायलॉग्स। एमसीयू के सबसे पसंदीदा किरदारों में से एक यानी स्पाइडरमैन, जिसकी हंसी उड़ाने वाले डायलॉग्स थोड़ा खटकते हैं। ऐसा करके मार्वल स्टूडियोज़ ने फैंस को निराश ही किया है। फिल्म की कहानी को समझने के लिए जितनी हाई लेवल की आईक्यू चाहिए वो सब में होना मुश्किल है और इसकी स्क्रिप्ट का एक्सपेंशन भी बहुत ज़्यादा है। फिल्म में ये बात अच्छी है कि दर्शकों की पसंदीदा किरदार उनका ध्यान पर्दे की ओर बनाए रखते हैं। असली कहानी जो डॉक्टर स्ट्रेंज की होनी चाहिए थी वो वांडा की होकर रह गई है। सबसे ज़्यादा तालियां भी उनके लिए ही बजती है। दूसरी वजह जिसके चलते डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से दर्शकों का कनेक्शन नहीं जुड़ पाता है वो है फिल्म का डायरेक्शन और एडिटिंग। फिल्म को चुस्त और चौकस रखने के चक्कर में फिल्म के किरदारों का ठहराव गायब हो गया। सारे किरदार लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं या तो फिर भागते रहते हैं। फिल्म 10-15 मिनट और बढ़ जाती तो शायद ही कोई इसकी शिकायत करता। और तीसरी वजह जो फिल्म से दर्शकों का रिश्ता न जुड़ पाने की है वो है इसकी रफ्तारी भावनात्मक धारा। फिल्म के 3 मेन किरदारों अमेरिका शावेज, वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज के दर्द भरे अतीत को लेकर तीनों के बीच में जिस तरह की भावनात्मक डोर बननी चाहिए थी फिल्म उसमें चूक जाती है। एक्टिंग के लिहाज से एलिजाबेथ सबसे ज़्यादा तारीफ बटोर ले जाती है। एलिजाबेथ का व्यक्तित्व शुरू से ही बहुत आकर्षक रहा है, उनके अट्रैक्टिव स्माइल और साथ ही गुस्से पर भी दर्शकों को प्यार आता है। बेनेडिक्ट कम्बरबैच को फिल्म में उम्रदराज दिखाया गया है, बाल चांदी जैसे हो रहे हैं और दाढ़ी भी चेहरे पर फैल चुकी है, लेकिन पहली बार उनका आकर्षण कमज़ोर होते नज़र आया। हालांकि रोल इस बार उनके पास दो रहे हैं। उधर पहली फिल्म में अपने आदर्श सर्जन को देखकर आँख नम करने वाली क्रिश्चियन के किरदार में रेचल इस बार बदली नज़र आई। वोंग और गोमेज ने अपना इलाका मजबूती से संभाले रखा। फिल्म को तकनीकी तौर पर देखें तो मार्वल स्टूडियोज़ के स्पेशल इफेक्ट्स का भी विस्तार है। मेकर्स ने फिल्म के विजुअल्स पर अच्छा काम किया है और देखने को भी बहुत मज़ा आता है। अब सवाल आता है कि फिल्म देखे कि न देखे।
एमसीयू के जो फैंस है वो तो ये फिल्म इस इमेजिनेशन के नए विस्तार को जानने और आगे आने वाली फिल्मों को समझने के लिए देखेंगे ही। फिल्म देखते समय कुछ सरप्राइजिंग मोमेंट्स भी आएंगे, जैसा कि हमने देखा सैम रेमी अपने डरावने फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। अनएक्सपेक्टेडली ऐसे ही कुछ झलक हमें इस फिल्म में दिखाई पड़ी है। और साथ ही ये कहना चाहूँगा कि फिल्म से ज़्यादा उम्मीदें लेकर थिएटर में मत जाना। अगर उम्मीदें लगानी है तो वांडा के साथ लगाओ। वांडा को उसके पावर के साथ इतना ओपी दिखाया गया है कि दर्शकों का ध्यान ही नहीं भटकता। आप इस कैरेक्टर को फिल्म का शाइनिंग स्टार भी बोल सकते हो, जो कि ये है भी। मेरे हिसाब से ऑन एन एवरेज ये मार्वल की ठीक ठाक फिल्म है। सो गाइज, अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।